सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 4 बेस्ट फ्लैगशिप ऑलराउंडर अल्टीमेटेड स्मार्टफोनों के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी एक न्यू फोन बाय करने की सोच रहे हो, अगर आपका बजट 25,000 के आसपास है, तो प्लीज आप हमारी इस वीडियो को जरूर लास्ट तक पूरी देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये फोन हमने काफी रिसर्च करके सेलेक्ट किए हैं। इन फोनों के अंदर आपको किसी फीचर को लेकर कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ये फोन अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, अपने स्पेक्स के हिसाब से, अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बेटर वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और बात कर लेते हैं फर्स्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला है वीवो की तरफ से IQ New 6 5G। दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छा तगड़ा पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर आपको काफी यूनिक डिजाइन देखने को मिलेगी, काफी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं फोन की डिस्प्ले के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 6.62 इंच की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120Hz का रिफ्रेश रेट, HDR10+ की सपोर्ट है, 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 85.2% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। बात कर लेते हैं फोन की चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टा कोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का 5G वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 7nm के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है, फंटोस 12 का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फोन की वेरिएंट के बारे में। ये फोन आपको 128GB प्लस 8GB रैम के बेस वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। UFS 3.1 टाइप की स्टोरेज है। मेन कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 64MP का विद OIS के साथ, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो, LED फ्लैश देखने को मिलेगी। मेन कैमरे से आप 4K/30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा, 16MP। 3.5mm का जैक फोन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। स्टोरेज स्पीकर के साथ आता है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी, 2.0 विद OTC कनेक्ट। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा फोन के अंदर। 4700mAh की बैटरी है, जो कि सपोर्ट करेगी 80W फास्ट चार्जिंग को। 12 मिनट में आप इस फोन को 50% ईजिली चार्ज कर पाओगे। बात कर लेते हैं फोन के एंटीटू स्कोर के बारे में। इस फोन का एंटीटू स्कोर आपको 6+ अराउंड देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको बैक पैनल दोनों ही प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे। ग्लास की प्रोडक्शन डिस्प्ले के अंदर है। 190g का वेट है, 8.5mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन की प्राइस के बारे में। इस फोन की प्राइस आपको 24,999 देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला है वीवो की तरफ से वीवो T1 Pro। दोस्तों, इस फोन के अंदर भी आपको काफी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं फोन की डिस्प्ले के बारे में। फोन के अंदर आपको 6.44 इंच की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, HDR10+ की सपोर्ट है, 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 85.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। बात कर लेते हैं फोन की चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टा कोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 6nm के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है, फंटोस 12 का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। 128GB प्लस 6GB रैम का बेस वेरिएंट दिया गया है। मेन कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 64MP का, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो, डुअल LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर। मेन कैमरे से आप 1080p/30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा, 16MP का। 3.5mm का जैक फोन के अंदर नहीं दिया गया है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी, 2.0 विद OTC कनेक्ट। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा फोन के अंदर। 4700mAh की बैटरी है, जो कि सपोर्ट करेगी 66W फास्ट चार्जिंग को। 18 मिनट में आप इस फोन को 50% ईजिली चार्ज कर पाओगे। बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको बैक पैनल दोनों प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे। ग्लास की प्रोडक्शन डिस्प्ले के अंदर है। 180.3g का वेट है, 8.5mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन की प्राइस के बारे में। इस फोन की प्राइस आपको 23,999 देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉट सी 2 5G। दोस्तों, इस फोन के अंदर भी आपको काफी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे, काफी अच्छी डिजाइन देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं फोन की डिस्प्ले के बारे में। फोन के अंदर आपको 6.43 इंच की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90Hz का रिफ्रेश रेट, HDR10+ की सपोर्ट है, 84.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के अंदर कोर्निंग गोरिल्ला 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। बात कर लेते हैं फोन की चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टा कोर का MediaTek Dimensity 900 का हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6nm के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 11 पर बेस्ड है, अपग्रेड टू एंड्रॉइड 13 देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन OS 13 का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। 128GB प्लस 6GB रैम का बेस वेरिएंट दिया गया है। ये बस 2.2 टाइप की स्टोरेज है। मेन कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 64MP का, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो। मेन कैमरे से आप 4K/30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर।
सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का 3.5mm का जैक फोन के अंदर दिया गया है। यूएसबी की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद ओटीसी कनेक्ट। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा फोन के अंदर। 4500mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करेगी 65W फास्ट चार्जिंग को। बात कर लेते हैं फोन के एंटीटू स्कोर के बारे में। इस फोन का एंटीटू स्कोर आपको 4 लाख प्लस अराउंड देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको 173 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा, 7.8mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन की प्राइस के बारे में। इस फोन की प्राइस आपको 24,999 रुपीज देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं लास्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला है रियलमी की तरफ से, रियलमी 10 Pro Plus 5G। दोस्तों इस फोन के अंदर भी आपको काफी तगड़ा पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर आपको काफी अच्छी डिजाइन देखने को मिलेगी, काफी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं फोन की डिस्प्ले के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 1 billion color के साथ आती है। HDR 10 प्लस की सपोर्ट है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, 800 nits की पीक ब्राइटनेस, 90.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। बात कर लेते हैं फोन की चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 का हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6 nanometer के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है। रियलमी UI 4.0 का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। 128GB प्लस 6GB रैम का बेस वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 108MP का, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो, LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर। मेन कैमरे से आप 4K/30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 16MP का। 3.5mm का जैक फोन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ये फोन स्टोरेज स्पीकर के साथ आता है। यूएसबी की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करेगी 67W फास्ट चार्जिंग को। 17 मिनट में आप इस फोन को 50% इजीली चार्ज कर पाओगे। बात कर लेते हैं फोन के एंटीटू स्कोर के बारे में। इस फोन का एंटीटू स्कोर आपको 5 लाख प्लस अराउंड देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको बैक पर हम दोनों प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे। ग्लास की प्रोटेक्शन डिस्प्ले के अंदर है। 173 ग्राम का वेट है, 7.8mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन की प्राइस के बारे में। इस फोन की प्राइस आपको 24,999 रुपीज देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और इन फोनों में से जो भी फोन आपको ज्यादा बेस्ट लगा हो, उस फोन को आप अपनी नीड एंड प्रोडक्ट के हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। और वीडियो आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा